चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी साहब आए प्लीज। जी सर, जी सर, देखिए जे जो हम कंसेप्ट देते हैं, मैं तो रोज सुनता रहता हूँ, उससे अच्छा कंसेप्ट तो हम दे नहीं पाएंगे। सुधीर जी इसको कंक्लूड करेंगे, लेकिन मैं दो चीजें इसमें रखना चाहता हूँ। एक तो कल हमारी जो चर्चा चल रही थी कि भाई लोग हमारे क्यों बदल नहीं रहे, क्यों हमारे साथ जुड़ नहीं रहे, जबकि उनकी बहुत बड़ी जरूरत है उनके बच्चों के लिए, संविधान को या उनके अधिकारों को, शिक्षा के अधिकारों को या उनके जॉब्स के अधिकारों को बचाने की जरूरत है। तो उसमें बहुत से सवाल खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि भाई हमारे लोगों के अंदर आज भी इस चीज की जरूरत महसूस नहीं करी जा रही, क्योंकि उनका सारा जो फोकस है, जैसे सर बघेल जी कह रहे थे कि भाई भगवान पे और भगवान की श्रद्धा से और उनकी मर्जी से ही हर एक चीज उनको मिल जाएगी। तो ये नीड जो है, जब तक हम इस नीड को खुद नहीं समझेंगे और खुद इसके लिए नहीं तैयार अपने आप को करेंगे उस लड़ाई के लिए जो हमें लड़ने की जरूरत है, तो हम, मुझे लगता है कि भाई हम इस कॉन्सेप्ट से जुड़ नहीं पाएंगे। ये तो हुई जुड़ने की बात। दूसरी है कि हमारे अंदर, मैं देख रहा हूं कि हमारे अंदर इंसानियत जो है, आदमियत जिसको कहते हैं, उसका नामो निशान नहीं है। मुझे पता है कि सुधीर जी हमेशा कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन ब्राह्मणों ने हमें सबसे पहले इंसान से, जानवर के लेवल से ऊपर हमें गिराया और जानवर बनाया और फिर जानवरों जैसा हमारे साथ व्यवहार करा। तो इसको इससे बाहर निकलने के लिए भी हमें प्रयास जो है, हमें वापस अपने लोगों को जानवरों से, बाबा साहब ने तो बनाया लेकिन बाबा साहब को समय नहीं मिला कि वो अपने इस प्रोजेक्ट को या अपने इस कंसेप्ट को पूरी तरह इस्टेब्लिश कर पाए, और मौत ने उनको हमसे छीन लिया। लेकिन हम आज जो लोग, बाबा साहब ने इतना इतिहास हमारे सामने लिख के रखा हुआ है, हर एक समस्या का सलूशन हमारे सामने लिख के रखा हुआ है, लेकिन अगर आज हम उस तरफ नहीं जाते तो इसमें ज्यादा कसूर मैं समझता हूँ कि हमारे अपने लोगों का है, जो अपनी जरूरत, मेरे माँ बाप अनपढ़ थे तो वो मुझे कोई डायरेक्शन दे नहीं सके, और मुझे अपनी डायरेक्शन बाबा साहब को पढ़कर अपना रास्ता तय करना पड़ा। लेकिन आज तो बहुत लोग जो पढ़े लिखे हैं, सारे करोड़ों लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो गाइडेंस दे सकते हैं समाज को, लेकिन वो गाइडेंस नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी की, एक पर्सन की या एक कोई किसी संगठन की निंदा नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ उनको मिला हुआ है वो अपने बच्चों के लिए ही संभाल के रखें, समाज के लिए कुछ बचे चाहे ना बचे उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए है कि भाई हमें अपने समाज के लिए भी चिंता करनी चाहिए, बिकॉज अगर पढ़ी लिखी जमात अगर अपने समाज की चिंता नहीं करेगी तो वो जो अनपढ़ हैं, जिनको समझ ही नहीं, वो क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं इसी एक कहानी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मैंने एक रूपक लिखा था 1992 में। वो था कि भाई मुझे एक बार सवाल, पेपर वालों ने सवाल पूछा था लंदन में जब मैं वहां साहब की सेंटरी में काम करता था कि भाई क्यों नहीं लोग आपके बुद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, या क्यों नहीं बाबा साहब को मान रहे हैं, क्यों अपनी अपनी जातियों की डफली बजा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं एक रूपक लिखा था कि भाई एक बार समुद्र में ज्वार भाटा आया, और उसमें एक किनारे, समुद्र के किनारे रहने वाला एक मेंढक उस ज्वार भाटा से बहकर एक कुएं में आके गिर गया,
और जब वो कुएं में गिरा तो थोड़ी देर के बाद उसको होश आई, तो उसने अपनी तैर लगानी शुरू करी, तो उसका दीवार के बीच में जाकर सर लगा, तो उसने दूसरी तरफ को तैयारी मारी अपनी तैयारी, तो उधर दीवार को सर लगा, तो वो चिल्लाया जोर से कि भाई मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये क्या है। तो वो जो सदियों से वहां मेंढक गिरे हुए थे और उन्होंने वो आदि हो गए थे उस कुएं के, वो भी धीरे धीरे जब शोर मचाया और उसने उसको सुनने के लिए आए, तो किसी ने कहा जी हम भी जहाँ हैं, हम भी जहाँ हैं, तू कहाँ से आया, तरह तरह की अपनी अपनी, मैं तो फलानी कास्ट का हूँ, मैं फलानी कास्ट का हूँ, मैं फलानी कास्ट का हूँ, मैं 10 साल से गिरा हुआ हूँ, 100 साल से गिरा हूँ, 200 साल से गिरा हुआ हूँ, तो हमारे तो बच्चे, हमारा सारा कुछ यही होता है। तो उसने, भाई तू कहाँ से आया, तो उसने कहा मैं तो भाई समुन्द्र में रहने वाला हूँ, तो समुन्द्र क्या होता है। तो उसने समझाया उनको कि समुन्द्र क्या होता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको समुन्द्र दिखाऊंगा। तो उसमें जो चेन लटक रही थी बकेट के साथ, तो उसने पूछा कि भाई ये जो चेन कुएं में लटक रही है बकेट के साथ, ये कभी घूमती नहीं है। तो उसने कहा घूमती तो है, लेकिन हम इसमें डर के मारे इसलिए नहीं बैठते कि अगर रास्ते में कहीं खड़ी हो गई तो हम ना नीचे के रहेंगे ना ऊपर के रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं। एक दिन हुआ कि वो चेन चली, वो जो समुन्द्र का मेंढक था उसने छलांग लगाई और बकेट में बैठा और ऊपर को जाना शुरू हो गया, और नीचे के लोगों को आवाज दे रहा कि आ जाओ मैं आपको समुन्द्र में लेके चलता हूँ, मेरे साथ साथ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे सारे आ जाओ। जो लोग निकल पाए वो ऊपर आ गए, बाहर निकल गए, और जो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए डर के मारे, वो नीचे रह गए। और वापस में कहते हैं कि भाई अगर तुम एक बार फिर वापस आ जाओ तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वो समुन्द्र के मेंढक ने कहा कि भाई मैं इतना पागल नहीं हूं कि मैं बार बार एक एक को निकालने के लिए बार बार कुएं में आता रहूं, मैं एक बार आया था, मैं आज जो मेरे साथ आए हैं उनको मैं समुन्द्र दिखाऊंगा, इनको समुन्द्र का पता चलेगा, और जो आप पीछे रह गए हैं वो मेंढक है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो मानसिक जो स्थिति है आज वो ऐसी ही है, तो जो सदियों से जिस खड्डे में हम गिरे हुए हैं उसी खड्डे के ही आदि हो गए हैं, उसमें से निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। बाबा साहब ने जो प्रयास बताया था उस रास्ते पे हम चलने को तैयार नहीं है, कुर्बानी कोई देने को नहीं तैयार है, और मुक्त का खाने की हमें आदत पड़ी हुई है। अब मुक्त का बार बार तो मिलने से रहा, इसलिए आज मैं समझता हूं कि समन संघ की बहुत ज्यादा जरूरत है, देश में भी जरूरत है, विदेश में भी जरूरत है। विदेश में भी जो अगर बाबा साहब के इस अपनी कुर्बानी को, बाबा साहब के दिए हुए इस वरदान को अगर विदेशों में बैठे लोगों ने समझ लिया होता, तो बहुत बड़े पैमाने पे हम एक इंटरनेशनल मूवमेंट चला सकते थे। हम खुद तो आजाद होते, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों को भी हम आजाद करने की प्रेरणा दे सकते थे। ऐसा हमने नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये समन संघ के जिस कॉन्सेप्ट में हम इंटरनेशनल और नेशनल लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि इसकी महत्ता को समझें, इसके साथ होने वाली जो चेंजेस हैं हमारे लिए उनको समझें, और इसके चेंजेस के साथ साथ जो हमारे बच्चों की उम्मीदें, बच्चों के सपने, बच्चों का फ्यूचर जो जुड़ा हुआ है उसकी तरफ ध्यान दें, तो हम छोटे छोटे अपने संगठनों से निकलकर एक बड़े महान सागर में आ जाएं, और जब हम सागर में आएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं ये क्या कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे समा दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो लोग आज भी, देखिए कास्ट हमारी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, जिसने सबसे ज्यादा हमारा सत्यानाश किया, ये तो आप मानते हैं, और कास्ट को सबसे किसी को पहले छोड़ना चाहिए था, वो एससी एसटी ओबीसी को छोड़ना चाहिए था, क्योंकि सब सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का हुआ, और सबसे ज्यादा छाती से लगा के आज अगर कोई घूम रहा है तो यही लोग हैं जो इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि देश में तो छोड़ो, जो विदेश में भी आए हुए हैं उनको भी बड़ा फख्र है कि वो इस
जाति के खड्डे में पड़े हुए हैं, उसी में आनंद है, उसी में बच्चे पालेंगे, उसी में विवाह कराएंगे, उसी में जिएंगे, उसी में मरेंगे। तो आजाद कब होंगे हम? मैं समझता हूं कि इंग्लैंड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। अगर हम इंग्लैंड के लोगों को समझते, उनके साथ चलते, उनसे सीखते, तो बहुत जल्दी हमें आजाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत बुरे हालात से निकल के आए हुए थे, लेकिन हुआ उल्टा है। तो मैं कुएं के मेंढक उनको समझता हूँ जो अपनी अपनी जाति लेकर अपनी अपनी कुएं में जी रहे हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।